है व्हाट्स अप, दिस इज अर्जुन फ्रॉम अर्जुन क्लासेस। मैंने सोचा यार आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि हमारे रजिस्ट्रेशन जो है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की दोबारा से खुल गई है, जो कि बहुत गलत है, लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं करा था उनके लिए बहुत सही है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था तो आप प्रॉपर रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर कर दिया था, आपने काउंसलिंग फी नहीं भरी थी तो आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाए थे, तो वो भी आप फी अपनी दोबारा भर सकते हैं। आपके सामने आपको बिल्कुल नोटिस दिख रहा होगा, इस नोटिस में बता रखा है यार वही है जो 2 नवंबर को निकला था। 9th ऑफ हमारे जो नवंबर से काउंसलिंग शुरू रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी और 11th ऑफ नवंबर तक जाएगी हमारी ये रजिस्ट्रेशन भी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और साथ साथ में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ साथ काउंसलिंग फी भी भर सकते हैं अगर आपने काउंसलिंग की फी नहीं भरी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो ठीक है, वो भी आप 9th ऑफ नवंबर से 11th ऑफ नवंबर तक कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 3 दिन का टाइम है, आज 9th है, आज चली गई है ये डेट, ठीक है, तो कल परसों बस ये 2 दिन बचे हमारे पास, 10 और 11, और रात तक होगी यार 11:50 तक, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा और इसमें आगे हमको बता रखी चीज, वो क्या बता रखी है कि आपकी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो 10th ऑफ नवंबर से आपकी 12th ऑफ नवंबर तक चलेगी, ठीक है। 10th ऑफ नवंबर जो है आपका, आप उस दिन से लेकर 12th ऑफ नवंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपने मान लेते हैं कोई अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट डाला था ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस वगैरह का, तो वो 12th तक वेरीफाई होगा। कोशिश करो यार कि अपना पहली बारी में करेक्ट डालो, अगर आपके में कोई भी दिक्कत है तो उसको आपको अब तक सही करा लेना चाहिए था, नहीं तो आप फिर अगर अभी भी नहीं कराया तो आप करा लो यार, तो आप स्पॉट राउंड में दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, मेन उसके लिए नहीं, उसके लिए दोबारा मैं बनाऊंगा, ऐसे इकट्ठी सारी चीजें बताऊंगा तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे यार। मेन अभी क्या चीज ध्यान रखनी है, मेन अभी ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना, चॉइस फिलिंग वो अभी नहीं स्टार्ट हो रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन खोले। आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो जिसने अब तक रजिस्टर ही नहीं किया था तो वो अपना रजिस्टर कर सकता है आसानी से, या फिर उसने अगर अपनी काउंसलिंग फी नहीं भरी थी तो वो भी अपनी काउंसलिंग फी भर सकता है और अपने आईपीयू के रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सकता है। कोई भी डाउट लगे इंस्टाग्राम में मैसेज करें तो मेल लिख दें ayushgarhclasses@gmail.com पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइव ही आऊंगा अगली वीडियो में या फिर देखते हैं, लाइव जल्दी आते हैं, ओके।